बॉलीवुड में जब दमदार कहानी और धमाकेदार एक्टिंग दर्शकों का दिल जीतने लगती है तो एक्टर्स की फीस बढ़ने में देरी नहीं लगती। इंडस्ट्री में आज के समय में बहुत से ऐसे कलाकार हैं जो तगड़ी फीस चार्ज करते हैं, लेकिन कुछ गिने चुने कलाकार ऐसे भी हैं जिनकी फीस सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। इन कलाकारों के पीछे दुनिया पागल है और ऐसे में ये स्टार्स अपनी मेहनत की मोटी कमाई वसूलते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में बात करते हैं कुछ ऐसे ही स्टार्स के बारे में जो चार्ज करते हैं काफ़ी ज़्यादा फीस और जिनकी फीस सुनकर आपके भी उड़ जाएंगे होश। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से दरख्वास्त करूंगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। मैं हूँ आकाश, चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, लिस्ट में सबसे पहले आते हैं अक्षय कुमार। बॉलीवुड के खिलाड़ी कुमार आज के दौर के सबसे महंगे एक्टर माने जाते हैं। इतना ही नहीं, वो बॉलीवुड के ऐसे इकलौते एक्टर हैं जिनका नाम साल 2020 फोर्ब्स की हाईएस्ट पेड एक्टर्स की लिस्ट में भी शामिल हुआ है। अक्षय कुमार फिल्मों ने साल 2019 में बॉक्स ऑफिस पर 700 करोड़ रुपए का बिजनेस किया था। अक्षय की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर ज़बरदस्त हिट भी होती हैं और अक्षय भी अनोखे अनोखे विषयों पर फिल्में करने में काफ़ी रुचि रखते हैं। खबरों की माने तो अक्षय अपनी अगली फिल्म अतरंगी रे के लिए 120 करोड़ रुपए चार्ज करने जा रहे हैं। लिस्ट में अगले आते हैं सलमान खान। इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर हैं दबंग खान यानी कि सलमान खान। सलमान की फिल्में पिछले कुछ समय से भले ही अच्छा प्रदर्शन ना कर रही हों, लेकिन उनकी मार्केट वैल्यू में अभी किसी तरह की कमी नहीं आई है। एक रिपोर्ट की माने तो सलमान फिल्मों के लिए 20 करोड़ से भी अधिक का बिजनेस कर लेते हैं। सलमान अपनी हर फिल्म के लिए अच्छी रकम वसूलते हैं। फिल्म ट्यूबलाइट के लिए उन्होंने 60 करोड़ रुपये चार्ज किए थे। दोस्तों, लिस्ट में अगले आते हैं ऋतिक रोशन। बॉलीवुड के ग्रीक गॉड ऋतिक अपनी एक्टिंग और गुड लुक से हर किसी को अपना दीवाना बना लेते हैं। ऋतिक की फिल्में दर्शकों को खूब पसंद भी आती है। उनकी पिछली फिल्म सुपर 30 और वॉर ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन भी किया है। खबरों की माने तो ऋतिक रोशन अपनी एक फिल्म के लिए लगभग 50 करोड़ रुपये चार्ज करते हैं। इतना ही नहीं, ऋतिक की आने वाली फिल्में भी काफ़ी शानदार नज़र आ रही हैं और उन्हें उम्मीद है कि बॉक्स ऑफिस पर ये फिल्में ज़बरदस्त हिट भी होंगी। दोस्तों, लिस्ट में अगली आती हैं दीपिका पादुकोण। सबसे हाईएस्ट पेड स्टार की लिस्ट में दीपिका पादुकोण का भी नाम आता है और अपने आप में ये बहुत बड़ी बात भी है, क्योंकि तमाम दिग्गज एक्टर्स और एक्ट्रेसेस के होते हुए दीपिका इस लिस्ट में मौजूद है। वो इस समय बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेसेस में आती है। उनकी फिल्म छपाक भले ही अच्छा प्रदर्शन ना कर पाई हो, लेकिन दीपिका की पिछली सारी फिल्में बम्पर हिट रही हैं। खबरों की माने तो दीपिका ने अगली फिल्म के लिए लगभग 25 करोड़ रुपए भी चार्ज किए हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की लिस्ट। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करना नहीं भूलिएगा। आपका इस पूरी वीडियो को लेकर क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन पर भी ज़रूर बताइएगा। मैं आपके लिए ऐसी ही वीडियोज़ लाता रहूँगा। नमस्कार।